मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको ना ऐसा डर आ गया कि मैं मर जाऊंगा, डर है। प्रभु का आत्मा मुझे कहता है यदि तू यहाँ ना आता, यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ ना आता तो पक्का मर जाता, लेकिन अब मैं फील कर रहा हूँ तेरे घर से लड़ाइयां झगड़े की आत्माएं निकल रही हैं। आमीन। आपके बैक में ना, बैक में गर्मैश फील हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यीशु के नाम में हो, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और अपना तेल ऊंचा रखें, ऑयल ऊंचा रखें, अपने अपनी शीशियां ऊंची कर दें और अपनी बीमारी के पेपर भी ऊंचे कर दें। आपके पेपर के साथ आपका ऑयल दिखे। दो महीने से सर भारी रहता है, कोई सामान रखती है तो भूल जाती है, सोचने की क्षमता नहीं है। इसको वहां खड़ा करो। यीशु के नाम में अपनी आंखें बंद रखें। ओरे बेरे बे, पित्ते की पथरी। सुखविंदर कौर जिरकपुर से आए हैं, पित्ते की पथरी है और गुर्दे में पथरी, सारे शरीर में दर्द रहता है। आगे जाओ। बपरोल से आई है लवप्रीत कौर, विदेश जाना चाहती है। आगे जाओ। एक महीने से बीमार है, खून नहीं बनता, उसको आगे लेकर। बराड़ा हरियाणा से आए हैं, बोती आपका नाम है, आपका नाम बोती। बराड़ा हरियाणा से आए हैं, साल कितने, 6 साल से छाती में और पीठ में दर्द रहता है, आंखों से कम दिखता। आगे लेके जाओ। दुष्ट आत्मा की समस्या है, परेशान है और गुमराह हो जाती है, इसको आगे लेके जाओ। हसनपुर रवि कुमार, 3 साल से कर्जा बहुत है, उतर नहीं रहा, इसको आगे लेके जाओ। किडनी में सिस्ट मतलब गांठ, बीपी शुगर, नींद नहीं आती, आगे लेकर जाओ। 20 साल से बच्चा नहीं होता, इनको लेकर जाओ। सुनो, आंखें खोलो मेरी और देखो, आप सब की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, समझ पा रहे? लेकिन आपको क्या करना होगा, बाइबल को फॉलो करना होगा, चर्च को फॉलो करना होगा लगातार, ठीक है? जब आप लगातार आएंगे तो लगातार ये समस्याएं आपसे परे रहेंगी। बोलो जी आवाज में आमेन, रिसीव करो। सुनो, आपके मैंने प्रेयर नहीं की अभी, लेकिन आपके अंदर ना ऐसा पूरा आ रहा है कि आज मैं चंगा हो जाऊंगा। आमेन। आ रहे कि नहीं? आ रहा है, आ रहे हैं। आमेन। यीशु के जीवित नाम में, जैसे ही मैं आपके मुंह के अंदर ये ऑयल रखूंगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ गर्माहट होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। आमेन। ठीक है। रे बे शिखरे खेते, और ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा मुझे एक और बात बता रहा है। आपके बराड़ा में सेम प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, परमेश्वर कहता है जैसे तू चंगा होगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको कह दें कि जैसे ये चंगा होगा, मतलब आप आज से चंगे होने शुरू हो जाओगे, ठीक है, और बराड़ा में लोगों को जाके बताना शुरू करना, ठीक है, कि वहां चलो मेरे साथ, ठीक है, तुम भी ठीक हो जाओगे, ठीक है, और वो भी ठीक होंगे। आमीन। मैं बता रहा हूँ 10 से 15 लोग सेम बीमारी के आपके गांव में रहते हैं, ठीक है, और जो यहाँ आएंगे आपके जरिए, ठीक है, यीशु के नाम में। प्राइवेट पार्ट पर जो एलर्जी है, 6 महीने से पूरे शरीर में और प्राइवेट पार्ट पर जो एलर्जी है, मैं तुझे घुड़कता हूं यीशु के नाम में। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आपकी गर्माहट आनी शुरू होगी बॉडी में, हो रहा है जमसू, हो रहा है, हो रहा है। 6 महीने से पूरे शरीर पर और प्राइवेट पार्ट पर भी एलर्जी है, yes.
पर मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में खत्म हो रही है। आमीन। जा रही है। आमीन। देखो कैसा फील हो रहा है, जो कुछ बताओगे ऊंची आवाज में बताना। फील हो रहा है जी। क्या हो रहा है? गर्मी आने स्टार्ट हो रही है जी। आमीन। गर्मी आनी शुरू हो रही है। हाँ जी। इसका मतलब चंगाई हो रही है। आमीन। पहले गर्मी थी नहीं उन पाठ के ऊपर? हाँ जी, रहती थी थोड़ी थोड़ी रहती थी। अभी जितनी है? अब तो ज्यादा है। अब ज्यादा है। मैं जैसे ही आपके ये तेल गिराऊंगा आपके मुंह के अंदर, वो जो गर्मी है आपको लगेगा अभी खत्म हो रही है, वापस जाती हुई दिखेगी, फील होगी। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आपको इस बात का समझ हो कि यीशु मुझे चंगा कर रहा है। आमीन। अच्छा मुझे बताओ क्या करोगे आप अगर आप बिल्कुल चंगे हो? मैं चर्च आऊंगा जी। एवरी संडे मिस तो नहीं करोगे? नहीं, मिस करूंगा जी। और वो जो सात कितने बंदे बताए तुमने? 15 बंदे। उनको लेकर आओगे? यस। पक्का? यस। मुंह खोलो। बदल गया पूरी बॉडी बदल रही है। यीशु को छूने से बदल गया। ओ रे मेरे बे गया, बदल गया यीशु के नाम में। छूने से बदल गया, ब्लड ऑफ जीसस बदल गया, बदल गया। ओ दाबाप यीशु के छूने, जो जो मैंने कहा वो आपने कहा इसलिए पूरा हो रहा है। आप साइड में जाओ, चेक करो। 3 साल से कर्जा है, उतर नहीं रहा, झगड़ा होता है। ध्यान से सुनना, आपके घर में झगड़ा होता है? हाँ जी, घर में झगड़ा होता है 3 साल से। हाँ जी। किसके साथ होता है? वाइफ के साथ ज्यादा रहता है। वाइफ के साथ। हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, लगातार ये पूरा 1 महीना आप लगातार संडे आना, ठीक है? एक भी दिन जो लड़ाइयां झगड़े बंद होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। समझ रहे हैं? ठीक। इस हफ्ते पूरा चेक करना, ठीक है? इस हफ्ते से आपके घर में लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? आमीन। विश्वास है? ठीक। बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान से सुनना, आप ये कहोगे यार ये हो क्या रहा है, लड़ाई नहीं होगी, पर आपको क्या करना है, अगले संडे कोशिश करना लगातार संडे चर्च आने की, ठीक है? अगर थर्सडे आ सकते हो बहुत अच्छी बात है। रेबे शिखे रेखे थे। मैं फील कर रहा हूं तेरे घर से लड़ाइयां झगड़े की आत्माएं निकल रही हैं। आमीन। भाग रही हैं। आमीन। तेरे घर में भगदड़ मच गई है। आमीन। मैं साइन बताऊं उसका? हाँ जी, साइन बता रहा हूं। आपके बैक में ना, बैक में गर्माहट फील हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Amen! Say hallelujah! सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। गर्माहट बढ़ती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है तेरे घर की सारी दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। लड़ाई के चांस बनेंगे, सुनना ध्यान से, लड़ाई के चांस बनेंगे, लेकिन होगी नहीं लड़ाई। उसका कारण सिर्फ ये है, आज की जो प्रार्थना है वीरवार तक काम करेगी। फिर तू वीरवार आ जाएगा, शुक्रवार शनिवार में भी काम करेगी। आमीन। फिर तू संडे आएगा, फिर और काम करेगी। आमीन। तू देखना, पहले ये लड़ाइयां खत्म होगी, उसके बाद अगला नंबर तेरे कर्जे का है। आमीन। यीशु के नाम में। बदल गया। ओ रे बे रे बे रे बे। यीशु तुझे छू रहा है। बदल गया। रेबे यीशु। God bless you। जिंदा है आज यीशु। रेबे शिखरे। जिंदा है। चंद्र देव शर्मा, किडनी में सिस्ट यानी गांठ, बीपी शुगर। आपको बीपी कितना है? बीपी सर 150 अबव रहता था पहले, विदाउट मेडिसिन। हाँ जी, विदाउट मेडिसिन। हाँ जी।
और आजकल कंट्रोल है, मैं क्योंकि मेडिसिन ले रहा हूँ और शुगर की भी मेडिसिन ले रहा हूँ। कब से ले रहे हैं ये सर? लास्ट थ्री ईयर, तीन सालों से। तीन सालों से? हाँ जी। ओके। और किडनी में सर पॉलीसिस्टिक वो है, सिस्ट है, मल्टी सिस्ट है, बहुत सारी, जैसे करेला होता है उस तरह की है। गुच्छा है? हाँ गुच्छा। लगभग कितनी होगी अंदाजा? बहुत होगी सर, बहुत है, बहुत होंगी। हाँ जी। सुनो ध्यान से, मैं प्रार्थना करूंगा आपको लगातार जी सर करीब तीन महीने प्रेयर करवानी जी सर, और इस तीन महीने के बीच में आप जैसे चेक करवाएंगे गुच्छा आपको पिघलता हुआ दिखाई देगा, रिपोर्ट में आएगा, ठीक है? और ध्यान से सुनना, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको ना ऐसा डर आ गया कि मैं मर जाऊंगा, डर है। ओ रे बे शिखरे, रे बे शिखरे, प्रभु का आत्मा मुझे कहता है यदि तू यहां ना आता, यीशु मसीह यहां खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये यहां ना आता तो पक्का मर जाता, लेकिन अब तू जिएगा। ओ रब शिखर, तू ही मैनु संभाल रिया, यीशु के नाम खुदा में जुड़ लिया है, मैं तीनों बीमारियों को खुड़कता हूं, चौथी बाबा सिर भी यीशु के नाम में। माय गॉड, परमेश्वर आत्मा मुझे बता रहा है कि ये जो अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। सितंबर में आपकी मृत्यु होना घोषित है। अच्छा, ध्यान से सुनना, सितंबर तक, सितंबर के आसपास कि आपकी मृत्यु घोषित है, पर डरा नहीं रहा? नहीं, डरता नहीं। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अगर ये लगातार मेरी संगति में बैठता रहा जी, तो अगले सितंबर, उससे अगला सितंबर, उससे अगला सितंबर बीतता चला जाएगा। अब हाथ में आपके है, मेरे नहीं जी। आपको आना है, बैठना है, वचन सुनना है, आपके किडनी की सारी गांठें जितनी भी आपको ये गुच्छे दिख रहे हैं जी, सब क्लियर हो जाए। दूसरा बीपी, शुगर, बवासीर, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जी सर। देखो आप क्या चाहते हैं, पहले बड़ी बीमारी जाए या छोटी छोटी? बड़ी, बड़ी बीमारी सर। पक्का? तो फिर पहले बड़ी कौन सी, आपको कौन सी बड़ी लगती है? सर सिस्ट जो किडनी की सिस्ट, ये सर ये ठीक होगी तो ऑटोमेटिक ये भी ठीक हो जाएगी। बस ये खत्म होने जा रहे हैं, ठीक है? इंतजार करना, जब तक मैं आपके घर ना हूं तब तक बने रहना। यीशु के जीवित नाम तुम खुदा में चुन ले आए, ओ रे बे रे बे रे बे, तू ही मैनु संभाल रे आए, तेरी कृपा है ठारावा। अपना ऑयल हमेशा साथ लेकर आना, जब मुझे आत्मा गवाही करेगा मैं आपको ये ड्रॉप दूंगा, ठीक है? यीशु के जीवित नाम मेरे बादशाह। मैं फील कर रहा हूं आपको इस समय पूरा फेथ है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक मुझे है, मैं ठीक, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे विश्वास है। तो फिर ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कह रहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। ओ रे बे शिखरे के ते, चार पांच घंटे मुझे सुनना तुम यीशु। ओ रे बे रे बे, अब फिर और आदि ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आमीन। आमीन। चेक किया? चाहती है जी। आपने भी चेक किया? पहले कहता व्हाइट होता था ना, जो अब लालपन में आ गया। क्या कह रहे हैं? पहले व्हाइट व्हाइट होता था ना खारश। हाँ हाँ। बिल्कुल लालपन में हो गई। ओह मैन, पहले जो इनका पेट व्हाइट पन में था अब लालपन, यानी के जैसी देह होनी चाहिए वैसा हो गया। खुश है? हाँ जी। तो पहले भी ऐसे ही था? हाँ जी, खुश हूँ जी। खुश है? आमीन। आमीन। अब इसका मतलब जो मैंने कहा वो सच है? सच है जी। मतलब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हाँ जी। और वो 15 बंदे वो भी आएंगे जी।
वो भी चंगे होंगे।